नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बल्क एसएमएस बिजनेस प्लान के बारे में। बल्क एसएमएस बिजनेस प्लान आखिर क्या होता है, कितने टाइप के बल्क एसएमएस बिजनेस होते हैं, आगे फ्यूचर में चलकर इस बिजनेस का क्या स्कोप यहाँ पर होने वाला है, आगे फ्यूचर में कितना दमदार यह बिजनेस यहाँ पर होने वाला है, इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट, कितना खर्चा आपको यहाँ पर आएगा और किस तरह से आप इस बिजनेस को करेंगे, ये पूरी प्लानिंग पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि आपके मोबाइल पर दिन प्रतिदिन यानी कि एक दिन में यदि औसतन देखा जाए तो 20 से 30 ऐसे मैसेज आते रहते हैं जो कि आप नहीं चाहते, जिसमें कई बीमा कंपनियों का प्रमोशन है, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक है, या आपने 5 करोड़ जीत ली है, 10 करोड़ जीत ली है, इस लिंक पर क्लिक करें, या आपकी पूरी बॉडी का चेकअप, हेल्थ चेकअप, इस तरह के, या किसी नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक, इस तरह से कई एसएमएस आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सब भी यहाँ पर जो है बल्क एसएमएस बिजनेस का ही कमाल होता है। तो आप भी सब ये जानने के इच्छुक है कि ये बल्क एसएमएस बिजनेस आखिर क्या होता है, कितना खर्चा इसमें आएगा, क्या आप भी ये बल्क एसएमएस बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं, और आपके मोबाइल पर ये जो अननोन मैसेज आते हैं इसकी प्रोसेस किस तरह से होती है, कैसे आप तक यह मैसेज पहुंचते हैं और उनका क्या बेनिफिट है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि बल्क एसएमएस बिजनेस आखिर क्या होता है। बल्क एसएमएस बिजनेस को समझने से पहले हमें बल्क एसएमएस को यहाँ पर समझना होगा कि बल्क एसएमएस क्या होते हैं। बल्क एसएमएस को यदि हम हिंदी में समझें तो बल्क का मतलब होता है यहाँ पर थोक, यानी कि बहुत सारा या इकट्ठा। जैसे कि आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को मैसेज करते हैं तो एक व्यक्ति को अपने मोबाइल से यहाँ पर मैसेज करना होता है, इसी तरह से यदि आप यहाँ पर लाखों में या करोड़ों में लोगों को एक बार में एक साथ यहाँ पर मैसेज करना हो तो उसे जो है बल्क एसएमएस यहाँ पर कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बल्क एसएमएस बिजनेस आखिर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बल्क एसएमएस का मतलब है कि ढेर सारे मैसेज, इकट्ठे मैसेज यहाँ पर किसी को करना, एक साथ एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पर साझा करना बल्क एसएमएस कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जो अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कई जो सर्विसेज लॉन्च करती है, जो बीमा कंपनियां नई नई पॉलिसी बनाती है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, अपनी चीज़ों को अधिक लोगों तक यहां पर पहुंचाने के लिए, अपनी सर्विस और सेवाओं को यहां पर लोगों तक पहुँचाने के लिए बल्क एसएमएस का सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरह से उस प्रोडक्ट के प्रमोशन की या उस सेवा के प्रमोशन को लेकर यूज़र तक वो एसएमएस जाने की ये सारी प्रोसेस एक बिजनेस मॉडल के तहत यहाँ पर काम करती है, जिसे बल्क एसएमएस बिजनेस कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एसएमएस की। तो एसएमएस यानी कि एसएमएस आपको किसी भी तरह का एसएमएस यदि करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी के साथ ही आप इस एसएमएस को यहाँ पर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो एसएमएस है, जो नेटवर्क है, जो टावर है, जो इंडिया में यहाँ पर पूरा तरह का नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू फैला हुआ है, इस सब को देखने के लिए ट्राई एक समिति है जो इस सब चीज़ों का मेंटेनेंस यहाँ पर करती है, जिसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ट्राई यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि जिसके अंतर्गत यहाँ पर यदि देखा जाए तो जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया। वीआई का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि पहले यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनी थी, ये बाद में यहाँ पर इकट्ठी हो गई और अब इन्होंने यहाँ पर एक ब्रांड, एक कंपनी अलग से यहाँ पर बना ली है, जिसे कि अब वीआई के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, यानी कि वोडाफोन आइडिया के नाम से इसे अब यहाँ पर जाना जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ट्राई समिति है, जो कि इस सभी नेटवर्क का जो जाल पूरे इंडिया में यहाँ पर फैला हुआ है, जो पूरे इंडिया में नेटवर्क या मोबाइल इंटरनेट का जो जाल फैला हुआ है, इसे देखती है। इसके अंतर्गत इस तरह के कई नेटवर्क सारी कंपनियाँ हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ हैं, गवर्नमेंट की भी कंपनियाँ, जैसे कि बीएसएनएल जैसी गवर्नमेंट की भी यहाँ पर कंपनियाँ हैं। अब यहाँ पर इन कंपनियों के मैसेज तो आपने यहाँ पर देखे ही होंगे, इसी तरह से आपके मोबाइल पर कई तरह के यहाँ पर मैसेज आते हैं। तो इस नेटवर्क के थ्रू ही यहाँ पर जो है इस बल्क एसएमएस बिजनेस को भी यहाँ पर करना होता है, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की जो भी पॉलिसियाँ है उसे पालन करना भी इस बिजनेस में यहाँ पर जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स आप बिजनेस की, यानी कि बल्क एसएमएस कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो बल्क एसएमएस की बात करें तो बल्क एसएमएस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रमोशनल एसएमएस,
प्रमोशनल एसएमएस यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी सेवा को आप प्रमोट कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी अपना प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ आपके खुद के फायदे के लिए जो मैसेज आप यहाँ पर लोगों के बीच में रख रहे हैं उसे यहाँ पर हम प्रमोशनल एसएमएस कहते हैं, बल्क एसएमएस बिजनेस के अंतर्गत। इसमें कुछ शर्तें होती है, जैसे कि यदि किसी यूज़र ने DND डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा एक्टिवेट करके रखी है तो आप उसे जो है इस तरह का मैसेज नहीं भेज सकते। और इसके अलावा यहाँ पर 9 PM से लेकर 5 AM के बीच में आप इस तरह का मैसेज यहाँ पर लोगों को नहीं भेज सकते, जो कि एक प्रमोशनल SMS है आप किसी चीज़ को, वस्तु को, सेवा को या प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो दूसरा इसमें होता है ट्रांजेक्शनल SMS। ट्रांजेक्शनल SMS क्या होता है? ये ट्रांजेक्शनल SMS एक तरह से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। जैसे कि आपका बैंक, किसी बैंक में अकाउंट है, आपने ATM के थ्रू यहाँ पर अपना पैसे विड्रॉल किए और जैसे ही आप पैसे विड्रॉल करते हैं वैसे ही आपके पास आपके मोबाइल पर SMS आ जाता है कि आपने आज इस तारीख में इस बैंक की इस ब्रांच से, इस ATM से इतने पैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए हैं। तो इस तरह की जो सर्विस होती है ये बल्क SMS सर्विस के अंतर्गत ट्रांजेक्शनल बल्क SMS सर्विस यहाँ पर कहलाती है। इसके बाद एक तरह का और यहाँ पर SMS होता है जो कि OTP होता है, जिसे कि वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। किसी वेबसाइट पर, किसी एप्लीकेशन में आप यदि यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं या पहले से आपका अकाउंट है, आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पर आप अपने अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है अपना पासवर्ड बनाना पड़ता है और आपके पास यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड OTP आता है, जिसे कि आपको यहाँ पर टाइप करना होता है एक बार, जिसके बाद ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये अकाउंट आपका ही है। इस तरह का SMS जो होता है उसे OTP वन टाइम पासवर्ड वाला SMS यहाँ पर कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बिजनेस है ये बिजनेस यहाँ पर टिका है प्रमोशनल बल्क SMS के ऊपर। यहीं से जो है आपकी कमाई होती है, यही जो है मॉडल आप अपना कर बल्क SMS बिजनेस के इस प्लान के तहत यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। बात करें यदि इन दो ट्रांजेक्शनल या OTP वाले SMS की, तो इनके लिए आपको जो है काफ़ी खर्चा यहाँ पर करना होगा। यानी कि एक बड़ी ब्रांड, एक बड़ी कंपनी आपकी यहाँ पर बनती है तो आप इस तरह का किसी बैंक से, किसी कंपनी से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आप इस तरह का प्लान भी यहाँ पर लेकर, इसे भी, इनकी सर्विस भी यहाँ पर लेकर इस तरह का काम भी यहाँ पर बल्क SMS के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर स्कोप आप बल्क SMS बिजनेस की, यानी कि फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड यहाँ पर रहने वाली है, क्या आगे चलकर इसमें अच्छा भविष्य यहाँ पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे चलकर इसमें बहुत अच्छा भविष्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि हम बात करें किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन की, तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में यहाँ पर आता है तो उसके प्रमोशन के लिए उसकी जो भी कंपनियाँ होती है वो जी जान से यहाँ पर मेहनत करती है। वो अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू उसे जो है प्रमोट करती है। वो अखबारों में यहाँ पर जो है उसके प्रिंट लगाती है, एडवर्टाइज लगाती है, टीवी चैनलों पर यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट लगाती है। लेकिन इन सब एडवर्टाइजमेंट को यदि आप देखें, जैसे टीवी चैनल पर कोई एडवर्टाइजमेंट लगाया है, न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट लगाया है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का एक सेक्शन, एक पेज अलग ही होता है और उसमें यदि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र की उस पर नज़र जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट पहले से भी लगे हुए होते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें टीवी चैनलों की या किसी कार्यक्रम के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर जब वह एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी के द्वारा लगाया गया हो तब जो है यूज़र उसे ज़रूर देख रहा हो और उसे देखकर जो है वह प्रोडक्ट परचेज करेगा। लेकिन यदि बात करें हम बल्क SMS की, यानी कि बल्क SMS के थ्रू किसी यूज़र के मोबाइल पर डायरेक्ट इस तरह का कोई SMS जाता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस ये बनते हैं कि वह जो है उस मैसेज को ओपन करेगा, उसे देखेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या ऑफर है, क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है, क्या सेवाएं इसके तहत यहाँ पर उसे मिल रही है। तो ये चीज़ें, ये बिजनेस यहाँ पर रेगुलर चलने वाला है, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते ही रहते हैं, उन्हें अपने प्रमोशन के लिए बल्क SMS बिजनेस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने ही वाली है और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ने ही वाली है जो इस तरह का बिजनेस यहाँ पर करते हैं। अब बात आती है कि आप यदि इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह की, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर होगी, क्या क्या चीज़ों की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप यदि बल्क SMS बिजनेस यहाँ पर करना चाहते हैं तो इसमें तीन तरह की कैटेगरी से आप अपना बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के लिए यहाँ पर एग्रीगेटर बन सकते हैं, आप किसी कंपनी के लिए रिसेलर बन सकते हैं, या किसी कंपनी के लिए यूज़र के तौर पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर उसी तरह से होता है जैसे कि कोई एक थोक प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ तो उसे जो है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई एजेंसी दे देता है और वहाँ से फिर वह जो है छोटे दुकानों में, छोटे दुकानदारों के पास वितरित होता है। इसी तरह से आप यह बिजनेस काम करता है। एग्रीगेटर का मतलब है कि यह जियो, BSNL, वोडाफोन, आइडिया या एयरटेल, ये जो जिस तरह के
यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है, इनसे यहाँ पर जो है बल्क एसएमएस के चार्जिंग के पैकेज यहाँ पर ख़रीदते हैं, और इसके बाद जो है ये अपने अंतर्गत आने वाले रीसेलरों को यहाँ पर उस पैकेज के और छोटे छोटे पैक बनाकर यहाँ पर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर यूज़र्स को जो रीसेलर होते हैं ये यहाँ पर उनको जो है और छोटे छोटे पैक में बांट कर देते हैं। मान लो कि आप यहाँ पर एक एग्रोगेटर बने, तो आपने जियो कंपनी से यहाँ पर डीलिंग की, आपने 10 करोड़ यहाँ पर एसएमएस का पैक यहाँ पर ख़रीदा, आप उसे फिर 1-1 करोड़ में यहाँ पर 10 भागों में बांटेंगे और आप अपने अंतर्गत यहाँ पर 10 रीसेलर यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर ये जो 1-1 करोड़ वाले बिजनेस प्लान इन्होंने बनाए हैं, ये रीसेलर लोग इसे 1-1 लाख वाला बिजनेस प्लान बनाकर यूज़र्स को बेच देंगे, और इस तरह से यहाँ पर इन तीनों की कमाई होती रहती है। यानी कि एग्रोकेटर ने यहाँ पर कोई एसएमएस पैक जितने में ख़रीदा है वह अपना कमीशन जोड़कर रीसेलर को बेच देता है, रीसेलर फिर उसे जो है छोटे छोटे भागों में बांट कर उसे यूज़र को अपना कमीशन लेकर यहाँ पर बेच देता है। इस तरह के कई वेबसाइट्स, कई मोबाइल एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर मार्केट में मिल जाएंगे यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो। मुझे कुछ वेबसाइट्स के नाम भी यहाँ पर पता है, लेकिन मैं किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप वास्तव में ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सर्च जरूर करेंगे और आपको आसानी से ये सारी वेबसाइट, ये सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक और सुविधा वाली चीज़ यहाँ पर बता दूँ, कुछ वेबसाइट ऐसी भी जो आपको खुद की आपकी बल्क एसएमएस वाली एक पर्सनल वेबसाइट बनाकर देंगे, आपको बिजनेस के लिए पूरी ट्रेनिंग देंगे, बल्क एसएमएस का पूरा पैक देंगे, इस तरह का पूरा बिजनेस मॉडल भी तैयार करके आपको यहाँ पर एक फीस लेकर वो आपको यहाँ पर तैयार कर कर देते हैं। ऐसी भी कई सारी कंपनियाँ यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि आप बल्क एसएमएस बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे। आप एक बल्क एसएमएस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि ये जो बल्क एसएमएस बिजनेस है इसकी प्रोसेस किस तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप यहाँ पर होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर एक सिम कार्ड होना चाहिए जो जनरली सबके पास होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एसएमएस बाय करने होते हैं, यानी कि एसएमएस के पैक आपको ख़रीदने होते हैं। ये एसएमएस के पैक आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, आप जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इस तरह की कंपनियों से एग्रोकेटर के रूप में थोक में यहाँ पर एसएमएस पैक खरीद सकते हैं। लेकिन आप यदि डायरेक्ट एग्रोकेटर के तौर पर यहाँ पर एसएमएस पैक खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से एसएमएस खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप शुरू में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो आप रीसेलर के तौर पर, यानी कि जो एग्रोकेटर मार्केट में यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो वेबसाइट, जो एप्लीकेशन यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे यहाँ पर बल्क एसएमएस के प्लान खरीदेंगे। मान लो कि आपको कोई बल्क एसएमएस प्लान 10 पैसे प्रति एसएमएस के दर से यहाँ पर मिला है, तो आप उसमें अपना 5 पैसे का कमीशन जोड़ के 15 पैसे पर एसएमएस के हिसाब से, या अपना 10 पैसे का कमीशन जोड़ के अपना 20 पैसे पर एसएमएस के हिसाब से आप किसी दूसरे को सेल कर सकते हैं, या आपके अंतर्गत यदि कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट आता है, तो आप उसका प्रमोट उसके उस रेट के हिसाब से करवा सकते हैं। अब आपने यहाँ से एसएमएस का पैकेज भी बाय कर लिया, लेकिन अब समस्या यहाँ पर आती है कि आप किस प्रोडक्टों को यहाँ पर पब्लिक करेंगे, किस सेवाओं को लोगों के बीच पहुँचाएंगे, कि आपका जो आपने यहाँ पर एसएमएस पे खरीदा है वो ज़्यादा महंगे में यहाँ पर जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया की। लोकल एरिया में आपके पास जितने भी कंपनी है, जो भी नए नए प्रोडक्ट आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपके आसपास में जो भी कंपनियाँ हैं जो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, आप जो है उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए कि भाई मेरे पास बल्क एसएमएस का मैं काम करता हूँ। यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसे कि आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन एसएमएस यानी कि बल्क एसएमएस के थ्रू प्रमोट करवाना चाहते हैं तो जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी खुद की कोई सर्विस है, तो आप उसे जो है इससे प्रमोट करवा सकते हैं। शुरू में इसमें जो है मेहनत करने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आपको धीरे धीरे यहाँ पर लोगों के कॉन्टैक्ट जुड़ने लगेंगे, लोगों के ऑर्डर आपके पास आने लगेंगे, तो ये बिजनेस धीरे धीरे आपका यहाँ पर बढ़ने लगेगा और आप बल्क एसएमएस बिजनेस के थ्रू यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके कस्टमर, आपकी जो भी कंपनी का प्रमोट आप यहाँ पर करेंगे उनसे क्या चार्ज यहाँ पर लेंगे। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने 10 पैसे पर एसएमएस के हिसाब से कोई पैकेज यहाँ पर एग्रोकेटर या रिसेलर से ख़रीदा है, उसके बाद आप उसे जो है 15 पैसे में बेच रहे हैं, 20 पैसे में बेच रहे हैं, या 50 पैसे में बेच रहे हैं, जैसा भी आपको जो है यहाँ पर कस्टमर मिलता है, आप अपना कमीशन ऐड करके उस कंपनी से, उस जो प्रोडक्ट को आप बल्क एसएमएस बिजनेस के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके और अपना कमीशन जोड़कर इस तरह का पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। आगे चलकर आपका
प्लेटफॉर्म अच्छा बनता है, आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाते हैं, तो आप अपनी खुद की एक यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं, खुद का अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और मार्केट में जो पहले से यहाँ पर वेबसाइट्स अवेलेबल है, एप्लीकेशन अवेलेबल है, इस तरह का काम यहाँ पर कर सकते हैं। आप यूज़र की कैटेगरी से यहाँ पर शुरू करेंगे, यानी कि पहले में शुरू में आप छोटे छोटे SMS पैक खरीदेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, जैसे कि कोई केक बनाने वाला है उसका प्रमोशन अपने खुद के शहर में यहाँ पर करवाना है, कोई नई बेकरी खुली है, कोई नई डेयरी फार्म यहाँ पर खुला है, कोई नई सोना चांदी की शॉप यहाँ पर खुली है, उनको भी जो है अपने प्रमोशन करवाने के लिए यहाँ पर बल्क SMS की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों से आप संपर्क करके उनके जो है SMS पैक के थ्रू और आप SMS बिजनेस के थ्रू आप उनके प्रोडक्ट का, उनकी शॉप का प्रमोशन करेंगे। धीरे धीरे चल के आपके पास कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने लगे तो धीरे धीरे आपके पास खुद यहाँ पर लोग कॉन्टैक्ट करने लग जाएंगे, ऐसे में आप यहाँ पर जो है रिसेलर बन सकते हैं। और जब आपको लगे कि और ज़्यादा SMS पैक की आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर एग्रीगेटर भी बन सकते हैं, और डायरेक्ट इन कंपनियों से आप SMS पैक यहाँ पर खरीदते हैं तो आपको जो है बहुत सस्ते में यहाँ पर SMS पैक मिलते हैं। दोस्तों ओवरऑल बल्क SMS बिजनेस को लेकर बहुत सारी जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पर साझा की, इसके बावजूद भी इसको लेकर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट नीचे ज़रूर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेरी और उनके आंसर होंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में बताई गई बल्क SMS बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको ये समझ आया होगा कि आपके मोबाइल पर जो अननोन SMS आते हैं वो आखिर क्यों आते हैं, क्यों लोग आपके मोबाइल पर अननोन इस तरह के SMS करते हैं, और इससे उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है, यानी कि ये बल्क SMS बिजनेस कुल मिलाकर किस तरह से चलता है। तो इसी तरह के एजुकेशन टेक्नोलॉजी और मेक मनी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए यदि आपने हमारे चैनल से स्टॉल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सिस्टम के साथ।